कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेश कम्युनिकेटिंग हाई एक्सपेक्टेशज पार्ट ऑफ बिल्डिंग केयरिंग कनेक्शन इन द क्लासरूम स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये कहा जा सकता है कि हम सब जो हैं मिलकर बेहतर कर सकते हैं आप स्टूडेंट को ये ना कहें कि आप ऐसा नहीं कर सकते इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट हाई एक्सपेक्टेशन्स टू स्टूडेंट्स प्लीज टेल दम दट ऑल ऑफ दम कैन परफॉर्म बेटर हमने इससे पहले ये देखा था कि जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स दे लर्न इन देअर ओन वेज सम ऑफ देम आर ऑडिट्री लर्नर्स सम ऑफ देम आर विजुअल लर्नर्स वाइल सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली गुड इन म्यूजिकल एंड अदर स्पेशल एबिलिटीज अगेन गो बैक टू हार्वर्ड गार्डनर्स थेरी जिसमें हार्वर्ड गार्डनर ने ये कहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं उनकी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस होती हैं और उसके हिसाब से वो अपना तदरीसी अमल जारी रखते हैं और बहसीत उस्ताद के आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि हर स्टूडेंट जो है वो अपनी पेस से सीखता है और इसके साथ साथ अगर आप मल्टीपल इंटेलिजेंसेस में बिलीव करते हैं तो फिर उस हिसाब से स्टूडेंट्स जो हैं दे विल हैव डाइवर्स लर्निंग दो लर्निंग स्टाइल्स इसीलिए हम जब कम्युनिकेट करते हैं हम जब स्टूडेंट्स को यह बताते हैं कि वो कैसा सीख रहे हैं तो फिर इस चीज को मद्देनजर रखें कि वो किस तरह से बेहतर सीख सकते हैं क्योंकि जब आप स्टूडेंट्स को इफ यू आर कम्युनिकेटिंग समथिंग टू देम दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑन द वे दे लर्न इसके अलावा जब हम सेल्फ करते हैं तो जो भी आप कह रहे हैं आपकी बात स्टूडेंट के लिए बहुत अहम है इट आइद कैन बूस्ट द मोराल और इट कैन आई द लो डाउन द मोराल और उससे एकेडमिक अचीवमेंट पर बड़ा फर्क पड़ता है तो एकेडमिक अचीवमेंट के साथ साथ बेवोरियल अचीवमेंट जो है डेफिनेटली लिंक्ड है फर्ज करें कि आपने एक स्टूडेंट को यह बताया कि आप जो हैं बहुत अच्छा सीख रहे हैं बट यू कैन स्टिल डू बेटर जब आपने स्टूडेंट को यह कहा कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं तो बेसिकली आपने उसका मुराल जो है वो बूस्ट किया आपने उसको इनक्रेज किया वो अपने बारे में अच्छी राय ले रहा है और वो कोशिश ये करेगा कि वो बेहतर रवैये के साथ क्लासरूम में बैठे और बेहतर करे लर्निंग इज़ अ कॉन्स्टेंट स्ट्रगल लर्निंग जो है एक जो है मुसलसल जिद्दोजहद है और आपने जो है स्टूडेंट को इस जिद्दोजहद को जारी रखने रखने का सबक देना है

वो बेहवरियली भी बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि उनकी जो सेल्फ एफिकेसी है वो बड़ी बड़ी हुई है और बढ़ाई जा सकती है मजीद सो इफ दे फील गुड अबाउट दैम सेल्व्स दे डेवेलप अ गुड बिलीफ सिस्टम अबाउट दैम सेल्व दैट दे आर गुड एकेडमिकली सो नेचुरली दे विल नॉट क्रिएट क्लास रूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम इन द क्लास रूम क्योंकि वो ये अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि अगर वो बेहतर तरीके से ग्रेड्स ले रहे हैं तो बेहतर तरीके से उनको क्लासरूम में परफॉर्म करना है ये बहुत जरूरी है और ये इसकी ट्रेनिंग आप स्टूडेंट को देते हैं उनके बार दफा यह देखा गया है कि स्टूडेंट्स जो हैं इफ दे आर गुड एकेडमिकली दे बिकम ओवर कॉन्फिडेंट एंड एन ऑफ शूट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस इज बैड बिहेवियर सो व्हेन यू बिकम ओवर कॉन्फिडेंट काइंड ऑफ इन अनएक्सेप्टेबल बि तो ये जो है ये ये चीजें क्लास में नहीं होनी चाहिए वेन स्टूडेंट्स दे अचीव बेटर ग्रेट्स देन इट डज नॉट मीन दैट दे कैन बी गिवन द लिबर्टी टू बिहेव इन नेटिव फैशन इन द क्लासरूम सो स्टूडेंट अचीवमेंट एंड बिहेवोरियल डिवेलपमेंट बोथ ऑफ तेम दे रन साइड बाई सा रन पैरल टू इच अदर एंड द टीचर मस्ट फेसिलिटेट इन making students behaviorally better by communicating high expectations to them that is very very important you tell students that you can do better and you can do better academically as well as behaviorally both things are important for better teaching and learning and both things are important for having good classroom management in the classroom